इस शहर में पहली बार चाय बनाने वाले की नौकरी मिली है। अब से मेरे मालिक के पास दौलत की बरसात होना चाहिए। आहा, अरे ये क्या किया, इसको जलाने से पहले ही इसे फूंक मारकर तुमने बुझा दिया। भीड़ तो जम गई, यहाँ ला दे। हाँ, एक चाय देना। एक ही बार में इतनी भाषा लिखने आ गए हो? हिंदी में 4, तमिल में 8। अरे भाई, मैं एक साल में 17 से ज्यादा नहीं लिख सकता। कोई भी कंपनी नहीं है, इसलिए मैं टेंशन ले रहा हूँ और तुम मुझे टेंशन दे रहे हो। देखो, 3 साल से पहले नहीं हो सकता। एक बार कहा समझ में नहीं आया तुझे? नहीं हो सकता कहा ना मैंने? दफा हो जाओ, गेट आउट। चाहे अंग्रेजी फिल्म भी हो तो भी मैं नहीं लिख सकता। इट्स इम्पॉसिबल, यू नो, गेट आउट। मैंने कहा ना, इंग्लिश फिल्म भी मैं नहीं लिख सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। एक साल में 17 फिल्में? अरे 17 साल में एक फिल्म लिख कर दिखा। बड़ा आया। क्लास के रूम में ये सब नॉर्मल है, तू नहीं सुधरेगा। पता नहीं ये कब सुधरेगा। अगर इस स्टोरी पर काम करोगे तो ऊपर जाओगे। अब उस हीरोइन के पास जाकर कहानी सुनाएगा पता नहीं, लेकिन फोटो देखकर बड़बड़ाता रहेगा। रंगा कहाँ है? वो अंदर जाकर बॉडी बना रहा है, जाओ देखो। ओह, तो यहाँ हो तो क्यों बे? अगर तुम्हारे भाव बढ़े तो मैं आगे सुपर नहीं आऊंगा, तुम्हें चाय पीने के लिए नीचे आना पड़ेगा। अरे गुस्सा थूक दे। रंगा, तुम्हारे लिए मैं दूध लाई। वहां रख दो। रखने के लिए क्या, मैं ऊपर आई थी क्या? तूने फिर शुरू कर दिया? क्यों रे, रंगा लड़कियों को तो पलट कर भी नहीं देखता, फिर तेरी बहन क्यों उसके पीछे लगी हुई रहती है? ए, मेरी बहन जो बोलती है वही करती है, जो करती है वही बोलती है, समझा? क्यों बे, तुम दोनों असलियत में भाई बहन हो ना, इसमें कोई शक तो नहीं ना? मैं बड़े पापा पर शक नहीं कर सकता। मैं बड़े पापा को ही पापा कहता हूँ। ओहो, थैंक्स। बॉडी पर जितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो उतना मेरे पर भी दिखा सकते हो ना? मैंने कहा था ना, मेरी बहन जो कहती है करके दिखाती है। तो तू करके बोल। अरे वहां पर मंगा का चिल्लाना और यहाँ तेरा पसीने में नहाना, इसका मतलब तुम दोनों के बीच में? ये तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, उसका पसीना है। मैं जिस दिन इन पोस्टर्स को निकाल के फाड़ दूंगा ना, उस दिन तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मंगा कहाँ है? रंगा, रंगा इसे कहीं काट डाल। क्या हुआ, क्या हुआ?
पार्टी के पास तुम्हें भेजो तो तुम ज्यादा पैसा मांग लोगे, इसलिए इसे भेजा। तो किसी हरामखोर माइकल ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसी बीच कोई दूसरा शराब उठा ले गया। मुझे पाप पसंद है, पापी लोग पसंद है, लेकिन सेंटिमेंट्स पसंद नहीं है। शिट। जा अब उसी हाथ से धो और उसी हाथ से खाना खा, देखता हूँ तेरे ऊपर कौन दया दिखाता है। ए, शराब कौन लेके गया? धारावी का माइकल ले गया था भाई। तुम्हारी शराब कहीं नहीं जाएगी। मैडम अभी बिजी है सर, रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, कुछ देखिए सर। किससे पूछकर अनाउंस की? देखकर बैठना बेटे। मैंने कहा ना भीड़ मत लगाइए, जाइए जाइए आप लोग। सर आप इस तरह से जाइए आप भी यहाँ से। थैंक यू सर। जी जी एडजस्ट करूंगा। हाँ क्यों बे गोपाल कृष्ण, ये कौन है? मुझे कहा? हाँ तुम। हाँ वो चेक मिल गया था ना तुम्हें? हाँ यही है हमारी फिल्म के डायरेक्टर, नाम सुंदर है। तुम्हारा कमीशन भेजा था, मिल गया ना? कमीशन? कैसा कमीशन? श्री प्रिया को हमारे डायरेक्टर ने भेजा था। कंपनी का नाम? पीटी राम मोहन। पीटी राम मोहन? ए, चिरंजीवी के साथ 4 फिल्म्स, रजनीकांत के साथ 4 फिल्म्स, कमला हसन के साथ 4 फिल्म्स, मोहनलाल के साथ 4 फिल्म्स। श्री के साथ मिलने का समय नहीं है तो बोल, मुझे जल्दी से मोहन को कहानी सुनानी है। थोड़ा वेट कीजिए सर। ये वेटिंग वगैरह कुछ नहीं चलेगा, अर्जेंट अर्जेंट पता लगा कराओ। सर एक मिनट। आई वॉन्ट इमीडिएट एक्शन। देखा ना सिचुएशन को देखकर सीन कैसे बनाया? अब तो मानता है ना कि मैं टॉप राइटर हूँ। हाँ क्या सोच रहा है, हमने चिरंजीवी के साथ 4 फिल्में, रजनीकांत के साथ 4 फिल्में, कमला हसन के साथ 4 फिल्में बनाई, कहा था ना? अगर डिटेल पूछा तो अरे कुछ भी कह देंगे। इस बेवकूफ के पास इतना दिमाग कहाँ है? अगर उसके पास दिमाग होता तो कब का प्रोड्यूसर बन गया होता। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैनेजर को कहेंगे कि आप 10 मिनट बाहर रुकिए और अंदर जाकर श्री के सामने धड़ाधड़ एक जूम, एक राउंड ट्रॉली, एक क्रेन डाला तो हमारी कहानी सुपर हिट हो जाएगी, और जब बाहर आएंगे तब धमाका ही धमाका होगा। कुछ हो ना हो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों बे श्री फ्री है ना? इसने जो भी कहा वो सब झूठ था, लेकिन मेरे पास एक अच्छी कहानी है सर। हाँ सर मेरे दोस्त को एक चांस दिवाई ना प्लीज सर। आज के दिन मैडम अनाथ और बेसहारा बच्चों से ही सिर्फ मिलेंगी। शादी धूमधाम से करो, ऑल द बेस्ट। अरे शादी के नाम से ही शर्म आ गई, शादी में मैं जरूर आऊंगी। सिस्टर सब बच्चे ठीक तो है ना? जब तक तुम यहाँ हो बेटी तो बच्चों को क्या परेशानी?
किसी कंस्ट्रक्शन की बात बता रही थी ना? हाँ बेटी, लाइब्रेरी की बिल्डिंग। कुछ दिनों के बाद ये प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है? जितना हो सके उतना सहयोग मैं दूंगी। ऑटोग्राफ वगैरह सब बाद में, जाइए आप, जाइए जाइए। उधर देख। हाय। रंगा है ना वो? वो यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो देख लूँगा। ये कौन है? एक्स मिनिस्टर रेड्डी जी हैं, आपसे मिलने आए हैं। मुझे बताया भी नहीं। ये बहुत बिजी आदमी है, इसीलिए सोचा कि जब वो आपसे मिलने आएंगे तभी मैं आपको बता दूंगा। तुम्हारे लिए ये बड़ा आदमी हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं। नमस्ते सर। हाँ, कैसे हो? अच्छे हो ना? आई आई मैडम जी, रेड्डी साहब। कैसे हो बेटी? ठीक हो ना? आइए बैठिए। बैठो। आप आने की वजह बताएंगे? मैं बुड्ढों की तरह नहीं बड़बड़ाऊंगा, यंगस्टर की तरह डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। क्या है ना, ये मेरा मैनेजर है, मेरा सारा बिजनेस यही देखता है, मेरे बाद भी यही है। ये तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने तुम्हारे मैनेजर से बात की थी, 4-5 फिल्में हैं पूरी होने दो, कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच समझकर हाँ में जवाब दोगी तो तुम्हारी फिल्मों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने दूंगा। गोपाल बताओ मेरे बारे में, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। मैडम रेड्डी जी, जहाँ मनाता है वहीं रख देते हैं बेवकूफ लड़के। क्यों बे, कहानी सुनाने जा रहा हूँ कहकर गया था, पूरा शहर घूम के आया क्या? ऐसे क्या देख रहा है? अपना इंजीनियर रंगा नहीं होता ना तो खाने और रहने के वांदे हो जाते। तू तो जैसे डाइटिंग कर रहा है। मैं अपने आप को मिलाकर ही कह रहा हूँ, वो मेरी और तुम्हारी तरह ऐसे हीरो हीरोइन को कहानी तो नहीं सुनाते फिरता ना। वो भी हमारी तरह लोफर गिरी कर रहा होगा तो क्या करेगा? तो चप्पल से मारना। तू खुद मार लेगा या मैं मारू तुम्हें? ज्यादा बोलकर फंस गया क्या? यहाँ कहता रहता है कि श्री जी के फोटो फाड़ दो और वहाँ श्री जी के घर में घुसा रहता है। रंगा क्या? रंगा भाई, सच में रंगा। यहाँ पर ये मंगा रंगा के पीछे लगी पड़ी है और वो वहाँ श्री के पीछे पड़ा हुआ है। कहाँ हो तुम? रंगा के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ये उससे ही खिलाऊंगी वरना वापस। वो हमें नहीं खिला सकती हो क्या? तुम सब लोफर हो। क्यों, रंगा लोफर नहीं निकल सकता क्या? चप्पल बचने लगी नहीं? ऐसा है क्या? है, क्या कह रहा है? ये लोकल रंगा और स्टार श्री दोनों मिलकर यहाँ आएंगे तो कैसा होगा? सर मेनू। हे बेड़ा, मैंने कहा था ना कि आने में 2 दिन लग जाएंगे, अब कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मुझे फोन करके बुला लिया? बोल क्या काम था? अरे कुछ तो बोलो। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? और वो राइटर नहीं आया क्या? राइटर आता ना तो यहाँ फाइटर बन जाता, इसीलिए उसे यहाँ थोड़ा लेट बुलाया। क्या हुआ, कुछ अजीब सी बातें कर रहे हो? ए, तू सही में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना? ए, हम तुम्हें कितना अच्छा लड़का समझते हैं, हमें भी धोखा दे दिया ना। ए, कम से कम हमें तो बता देता ना। बोल देता तो इसे रूम में शामिल करते ना। लगता है इन्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है, इन्हें सब कुछ बता देना ही अच्छा होगा। ऐसे क्या सोच रहा है, सच कबूल कर ले। हाँ भाई, जो तुम कह रहे हो वो सब कुछ सच है। तू श्री के घर पर जाकर उस पर लाइन मारता है, ऐसा है ना? क्या कहा? हाँ, श्री के घर भीड़ में उससे मिलने आया था ना, वही ये कह रहा है। हाँ तो क्या हो गया, देखने का मन हुआ तो चले गया? क्या हुआ, उस दिन बड़े तोप की तरह सारे फोटो बाहर फेंक दो कहता था और यहाँ खुद तू लोफर की तरह बातें कर रहा है, कैसे चलेगा रंगा? बीड़ा, नींद आने पर हम सो जाते हैं, सोने के बाद सपना आए तो बिना देखे थोड़ी रह सकते हैं, बस इसे भी ऐसा ही समझ ले। हेलो, एक मिनट, मैं अभी आया। क्यों बे, उसकी बातें तेरी समझ में आई क्या? समझ में तो आई है। क्या बात करता था? सॉरी सर। भाई का सॉरी है? क्यों भाई, तुम्हारे शहर में सॉरी कहने पर मारते हैं क्या? मारते क्यों बे? रंगा ये देख, ये सुंदर जरा ठीक से पकड़ना। ए, क्या परेशानी है? थोड़ा हाथ लगने पर सॉरी बोला तो ये मार रहा था, पूछ
सॉरी ब्रदर, माफ करना। सॉरी बोला? तू उसे सॉरी क्यों बोल रहा है? ए सुंदर, मेरी बात पर झगड़ा मत करो। चलो मारा। चलो चलो यहाँ से, हमें झगड़ा नहीं करना है। चलो तू उसको सॉरी देखो, मेरी बात समझो। बस उसे मारना ही है ना? हाँ और क्या। ए सुंदर, तू गुंडा नहीं है ना? ए तू उसे मना कर रहा है लेकिन वो तुझे मारते तो क्या करता? हम कोई गुंडे थोड़ी है ना जो इनसे लड़ाई करेंगे। ए तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है रे? ए मुझे शक हो रहा है, रोज सुबह एक्सरसाइज करते हुए मंगा का ऐसा दूध पीता है ना, वो सब फालतू बात है क्या? जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो समझता क्यों नहीं है? हम क्या तुम्हारी बात समझे? ए अब मैं चुप नहीं रह सकता। ए सुंदर रुक जा। क्या है? गुंडा नहीं है ना? देख देख, तू यहाँ गुंडागर्दी करने भी नहीं आया है, डायरेक्टर बनने आया है ना, फिर क्यों ये सब झगड़ा वगड़ा करेगा? चल रहने दे, चल चल मेरे। ए, क्या मतलब? वो कुछ भी कर रहे हैं, क्यों बैठेंगे क्या? ए लगता है वो ज्यादा गुस्से में है, मैं सॉरी बोलकर आता हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। क्यों बे? अब तक वो वापस नहीं आया, कहीं पैर पकड़ कर सॉरी तो नहीं बोल रहा है? ये क्या, ये तो सैल्यूट कर रहे हैं, कहीं राष्ट्रगान गा के तो नहीं आ रहा है? ये क्या किया तूने, कहीं पैसे वैसे तूने दिए? हाँ, थोड़ा ज्यादा सॉरी बोला। अरे बाप रे बाप। चलो चलते हैं। हाँ चलो ना। हाँ चलते हैं, चल चल। ए सुंदर चलना, तू भी सॉरी मत कहना, नहीं तो मर जाएंगे वो लोग। पहले शॉट में एक टाइट क्लोजअप लेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सप्रेशन पे काम करेंगे। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते बेटी, बैठो। आपके फिल्म का बजट 9 करोड़ है सर, और आप है तो फिर चिंता किस बात की सर? श्री अगर है तो मैं 10 करोड़ लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो श्री के साथ मैं 10 मिनट बात कर लूँ। आप कहे तो पैकअप बोल देता हूँ सर। अरे कम से कम एक शॉट तो ले ले। मेरे बारे में तुम शायद जानते ही होगे, रिलीज होने वाली 100 फिल्मों में से 10 मेरे दम पर होती है। मैं चाहूं तो किसी भी आर्टिस्ट का मार्केट गिरा भी सकता हूं, उठा भी सकता हूं। किसी को बेड रेस्ट की जरूरत हो तो घर में बिठा देता हूं। चेक ही काफी है मेरा, काम मेरे घर तक मुझे ढूंढते हुए आता है। फिर वो चीज चाहे मेरे पसंद की हो या फिर कोई सौंदर्य हो। तुम ऐसी लड़की नहीं हो जिसके बारे में बात कर रहा हूं। इस इंडस्ट्री में मैं तुम्हें फाइनेंस करना चाहता हूं। क्या सोच रहे हो कि मेरी पहली शादी हो चुकी है? श्री करोड़ों में भी नंबर 1 की ही इज्जत है, लाइफ में नंबर 2 को। देखो श्री, अगर मेरी बात मानी तो इस इंडस्ट्री में कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। सोच लो। हे, जल्दी से अंदर शराब भिजवा दो, वक्त हो रहा है। जी सर। हाँ हेलो, माल भिजवा दिया है, पैसे उन्हें मत देना, मैं खुद आकर ले लूंगा। नमस्ते सर। ठीक है ठीक है, श्री क्या कहती है? कितने लोगों को जवाब देगी, आप तो जानते हैं रेड्डी जी आए थे। क्यों, वो शादी करने वाला है क्या? अपने लिए नहीं, अपने मैनेजर के लिए। हाँ, मैनेजर के लिए? जी, यही तो उनका स्टाइल है। इनकी उम्र में कोई किसी लड़की पर सीधे हाथ तो डाल नहीं सकता, लेकिन ये ऐसा करते हैं, उनके पास काम करने वाले किसी मैनेजर वगैरह से पहले शादी करवा देते हैं। बाकी दुनिया के लिए मैनेजर पति होता है, लेकिन बेडरूम में ये पति होते हैं। उसी तरह श्री का भरोसा जीतने के लिए अपना एक आदमी लाकर कहा कि मेरी सारी बिजनेस का असली वारिस यही आदमी है, तुम इससे शादी कर लो। तो श्री ने क्या कहा? श्री ने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं वो रेड्डी की कहीं बातों में ना आ जाए, मुझे इस बात का डर है। पर साहब, नाम क्या बताया उस लड़के का? नाम आनंद है, VH होटल के JP रेस्टोरेंट में मैनेजर है। हेलो रंगा। हाँ, ये तुमने अकाउंटेंसी वाले से किया, और इस रूम का क्या हाल है? नहीं, पहले वेलकम सर। क्या हुआ? I'm going to go to the hospital.
क्यों रायप्पा, जब तूने मेरे आदमी को पिटवाया तभी मैं सिचुएशन को समझ गया था। अगर तुम पहले बताते कि तुम्हें भी श्री पसंद है तो मैं सीधे तुमसे ही बात करता था। इस उम्र में अब हमें लैला मजनू का प्यार करना अच्छा लगता है क्या? सीधी बात कहूँ तो तुम जितना श्री को चाहते उतना मैं भी उसे चाहता हूँ। अरे इसमें कोई गलत बात नहीं है, आज ये है तो कल कोई और होगी। परमानेंट किसी को चाहने की हमारी फितरत थोड़े ही है। आफ्टर ऑल एक हीरोइन की वजह से हम जैसे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करें और बाहर किसी को पता चलेगा तो हमारी कौन इज्जत करेगा। हमें सिर्फ दूसरों की लाइफ पर वकालत करनी चाहिए, ना कि दूसरा हमारी लाइफ के ऊपर वकालत करे। हमें अब खुद समझ लेना चाहिए कि क्या करना है। उसे भेज दो। भेज दिया। अमेरिका ने एक नई दवा की खोज की है। वो कैसे काम करती है, कितनी तेज काम करती है, असल में काम करती भी है या नहीं करती, उसके लिए मैं तुम्हें भी अपनी पार्टी में इन्वाइट करना चाहता हूँ। तू आखिर काम क्या करता है? सिटी में आगे पीछे ना जानने वाले को घर में रखना कितनी बड़ी गलती है अब मैं समझा। तेरे दिए हुए पैसे को अपने ऊपर खर्च करके हम तुम्हें अच्छा आदमी समझ रहे थे, यही हमारी भूल थी। ए, तीन टाइम नहीं खाना है, एक टाइम खाएंगे वो भी मेहनत करके। तेरी तरह नहीं, 10 लोगों को मारकर उनके परिवार की हाय लेकर हम जिए। अरे हमारे परिवार ने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, वो इस उम्मीद पर जिंदा है कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन आज तुमने जो कुछ किया उसे हम किसी भी हालत में सही काम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कल तुम्हारे साथ पुलिस हमें भी पकड़ कर ले जा सकती है, और ऐसा हुआ तो हमारे परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। भगवान के लिए यहाँ से तू चला जा। ए रंगा, आदमी को पैसा जरूरी है माना, लेकिन उसके लिए ऐसे गंदे काम करना जरूरी नहीं है। तेरे पैसों से खाना खाने की बजाय हंसते हंसते इत्मीनान से मरना पसंद है, तू असल में इंसान नहीं है। नहीं नहीं, मैं इंसान नहीं हूं, मेरे पास दिल भी नहीं है। मेरे लिए पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी है मेरे लिए, पैसा जरूरी है, पैसा जरूरी है। जो मांगा था वो सब मिल गया, लड़की भी साक्षात लक्ष्मी है। यहाँ से 50 किलोमीटर पर पलटून नागे गाँव। अच्छा, हम चलते हैं। क्या है जी ये सब, लड़के वालों ने जो कुछ मांगा सब आप मान गए, अब क्या करेंगे? छोटी के लिए बनाए हैं, लगता है अब बड़ी को देने पड़ेंगे, वो तो बाद में फिर बन जाएंगे। लेकिन शादी पर आने वाला खर्चा सोचती हूँ तो दिल घबरा जाता है मेरा। ये देखो उन्होंने मांगा, अगर हम नहीं मानते तो कल को हमारी बच्ची को ही परेशानी होगी। वो देखो उसकी सूरत कैसी हो गई है। लगता है सगाई खूब धूमधाम से हुई है। क्यों रे, आज दीदी की सगाई थी ना, सब लोग तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है ऐसा पूछ रहे थे, पर तुम्हें तो अपना इंटरव्यू दीदी से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। हाँ, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा गया ना? माँ ये मिठाई तुम्हारे लिए। पिताजी ये पकड़िए जरा, मैं कन्फर्म पास हो जाऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड। इनकी शादी होने से पहले मुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। मेरी नौकरी मिलते ही सबसे पहले इसकी शादी भी करवानी पड़ेगी। hey, पहले अपनी नौकरी की परवाह कर, मेरी शादी कब और कैसे होगी मैं खुद देख लूंगी। अच्छा पिताजी, मेरे सारे दोस्त पार्टी की डिमांड कर रहे हैं। बाप रे, देखना। hey, तू जा एंजॉय कर, जाता हूँ पिताजी। मेरी बात सुनो, रात के खाने पे इंतजार मत करना, लेट आऊंगा मैं। ये माला वगैरह क्या है जी? साहब जब आपने सिफारिश की तब जाकर हमें अपनी फैक्ट्री में परमानेंट किया। साहब देखिए उसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरी ये सीट है, उस पर बैठकर अगर फायदा ही उठाना है तो दूसरे की मदद करके क्यों ना उठाया जाए, यही तो मेरा फायदा है। नमस्कार साहब। अरे ये भी ना जाने क्या क्या काम करते रहते हैं। क्या हुआ बड़े पापा, बहुत मालाएं पहनाई जा रही हैं, ऐसा क्या कर दिया आपने? ए, शहर के सारे अमीर कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेहनत करने वाले मुझे अपना भगवान मानते हैं, लेकिन मैं कोई देवता नहीं हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं वही करता हूँ। मैं बक रहा हूँ, तू मेरा चेहरा देख रहा है, तेरे बाप ने देखा तो झगड़ा कर बैठेगा, तो जा यहाँ से। ए, देख तेरा बाप आ गया, चल जा यहाँ से, जा जा, हा? जा। अच्छा बड़े पापा चलता हूँ। रंगा मेरी बात तो सुन। आप कुछ मत कहिए रंगा। अरे मेरी बात तो सुन। आप कुछ मत कहिए। क्या बात है, क्या हुआ? अब तुम्हें ही बताना पड़ेगा। अब इतना गुस्सा तो क्या, शहर में बड़े पापा की सब लोग इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन उनसे बात करना आपको गलत लगता है, ऐसी क्या गलती कर दी उन्होंने? उन्होंने कोई गलती नहीं की, वो अच्छे इंसान हैं। ये समाज सेवा वगैरह के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। अब तक शादी किए बिना एक अनाथ की तरह रह रहे हैं। डर लगा रहता है कि बार बार उनसे मिलने के बाद कहीं तो उनकी तरह न बन जाए। ये देख जिस तरह वो इस परिवार को छोड़कर चले गए, वैसे तू चला गया तो मैं क्या करूंगा? पिताजी इतनी सी बात से आप डरते हैं? बात इतनी सी नहीं है बेटा। मालिक, आपने नागेश्वर राव से जो पैसे मांगे थे ना, उसे अभी 6 महीने और लगेंगे। अब ऐसे कैसे, कल ही तो उन्होंने कहा था कि वो पैसे दे देंगे मुझे। अब
देखा इतना बड़ा आदमी वो भी पीछे हट गया। सारा पैसा एक ही जगह से मांगने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके दो तीन जगह से मांगा होता तो मिल जाता। चिंता छोड़ो, मैं कहीं से इंतजाम कर लूंगा। ए रंगा, तू जा इनके साथ। ए, इसे क्यों भेज रही हो? मेरी बात मानिए, अकेले मत जाइए, तू जा। क्यों दीपा, मेरी शादी नहीं होगी क्या? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ पिताजी? मैंने मांगे तो लाखों रुपए थे, लेकिन उन्होंने करोड़ों बहाने बना दिए। कोई बात नहीं, देखते हैं। मुझे पहले से ही मालूम था इनमें से कोई नहीं देगा। रंगा, तू इतना परेशान क्यों होता है? हाँ? छोड़ दे, ये ले, अपने दोस्तों के साथ जाकर एंजॉय कर ले। ये ले। नहीं पिताजी, मुझे नहीं चाहिए। आइए बड़े पापा, आइए। ये कहाँ ले आया है मुझे? ये किसका घर है? ये अपनी लक्ष्मी के ससुर का घर है। लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाया है? भाई आया हुआ है। क्या हुआ, अपने बड़े पापा को भी साथ में लाए हुए हो? मैंने तो सुना है कि तुम्हारी इनसे बनती नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, वो मुझे क्या लेने देना, तुम्हारा पारिवारिक मामला है। यहाँ कैसे आए? वो ऐसा है सर, आपको तो मालूम ही है। वो क्या? मैंने इसी साल MCA पूरा किया है। खुशी की बात है। और इस साल मेरी नौकरी भी लग जाएगी। ये तो और भी खुशी की बात है। और मुझे हर महीने 20,000 की तनख्वाह मिलेगी। वो सब मुझे क्यों बता रहे हो? वो क्या है ना अंकल, शादी में लाखों रुपए का खर्च है। तो ये बात है, मैं तो उसी दिन ही समझ गया था वो शादी से पहले उधार मांगने आए हो। तुम तो बड़े हो, सुना नहीं क्या कह रहा है? नहीं पिताजी, पैसों के लिए कितनी परेशानी उठा रहे हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाख रुपए कम कर दीजिए अंकल, एक साल के अंदर 2,00,000 रुपए दे दूंगा। आप थोड़ा बड़ा दिल करके। इसका मतलब मेरे पास दिल नहीं है क्या? ये तो इससे भी बड़ी बेइज्जती है, शादी से पहले झगड़ा करता है। चले जाओ यहाँ से। इसने अपने बाप के लिए ये सब किया है, लेकिन ये मेरा भाई है। जिस बात पर राजी हुआ था वो पूरा जरूर करेगा। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। 3,000 की सैलरी लेने वाली तो 1,50,000 का लोन मांगोगे तो कैसे होगा? मैं तो तुम्हें 50,000 ही दे सकता हूँ। मैं प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन ऑफिस की भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। सॉरी दीपा। शादी हुए कितने दिन हो गए? 2 साल हो गए। बच्चे नहीं हैं? अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं था। ये क्या काम करते हैं? इन्हें बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई, इसलिए फैसला किया है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मैडम। मैं कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, करवा लेना। रिजल्ट ओके रहा तो आगे बढ़ेंगे। बाद चेकअप के लिए आना पड़ेगा, स्कैनिंग करके देखते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो डिलीवरी तक यहां भी रह सकती हो। पैसे ले लिए ना? ऑल द बेस्ट। नमस्ते शिवा, तुम चलो मैं आता हूं। ड्राइवर गाड़ी रोको। हेलो, आप भी यहां रहते हो क्या? कैसे हो? आपके पति ने बिजनेस शुरू किया, अब तो खुश हो ना? अब तो खुलकर बात करते हैं या अब भी शर्माते हैं? जरा ध्यान देना इस पर, पेट से है, ख्याल रखना, समझ गए ना? मैं चलती हूँ, ठीक है? ओके बाय। पेट से है? बच्चों को बता दें। बच्चों को 100 साल तक जीने का आशीर्वाद दें तो वो भी खिल उठते हैं, और अब हम ही कहेंगे कि मर जाओ तो बच्चों को कैसा लगेगा? गंगा, पिताजी, बड़े पापा काफी दिन बाद घर आए हैं, उन्हें खाने के लिए बुलाइए ना। आइए भैया। नहीं अभी नहीं, बाद में खाना खाएंगे। Oh.
तू हुआ बेटा। ये क्या है कि वो लोग दूसरी जगह रिश्ता देख रहे हैं? तेरा बाप जाने का तो परेशान होगा, हम चलकर बात करते हैं। आप कह रहे हैं इसलिए मैं मान जाता हूं, यह शादी जरूर होगी। ठीक है, धन्यवाद, हम चलते हैं। मां पैसों की वजह से मैंने अपने परिवार को खोया था, उन्हीं पैसों को मैं कमाता हूँ, यही कोशिश है। गैर कानूनी तरह से कमाए पैसों को उन दोनों ने पास में फेंक दिया था। बस उसी दिन पहली बार किसी को पैसे के लिए मारा था और उसी वजह से मैं पुलिस स्टेशन तक गया था। वहां से मेरे जीवन का एक नया मोड़ शुरू हुआ। दोनों के बीच का फायदा उठाने के लिए पुलिस वाले ही लॉकअप आए थे। उसका नाम सुनकर सब लोग डर गए थे, लेकिन मैंने उस काम के लिए हामी भरी थी। जिन लोगों की जिंदगी में परेशानी है, मैं अपनी हद तक उसे खत्म करने की कोशिश करता हूं। जो भी हादसा मेरे परिवार के साथ हुआ, किसी और के परिवार के साथ नहीं होना चाहिए, यही मैं चाहता हूं। मेरा इरादा कभी तुम्हें धोखा देने का नहीं था। तुम लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगता था मुझे अपना घर मिल गया हो, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ ही रहता था। सबको मेरा नमस्कार। इस सभा की और सभी लोगों की मैं बहुत आभारी हूँ। इस तरह के काम करने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की दया मिलती रहे, यही काफी है। थैंक्स, नमस्ते। मैडम एक बात बताइए, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आप किसी से प्यार करती हैं क्या? अब तक ऐसा व्यक्ति मेरी नजर में नहीं आया है। मैडम एक और सवाल। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उसमें कुछ गुण चाहती हूँ। अब तक ऐसा व्यक्ति मेरी नजर में नहीं आया है। नो मोर क्वेश्चंस। क्यों बे, उसे हम सब मर्द नहीं दिखते क्या? वो हमेशा से ऐसी ही है, थोड़ी चर्बी है। वो चर्बी किसे दिखा रही है? उसने हमसे ही कहा है, उसे तो अपनी मर्दानगी जरूर दिखाऊंगा। रे अप्पा तू टेंशन मत ले, उसने सिर्फ मुझसे नहीं तुमसे भी कहा है। जानता हूँ रे अप्पा, सही समय पर वार करेंगे। समय का इंतजार तू कर, टाइम को अपने हिसाब से बदल कर काम लेना मेरा कैरेक्टर है। ए गोपाल। हाँ सर। एक हफ्ते के लिए श्री बाहर जाएगी। किस शूटिंग? शूटिंग पर नहीं, गलत बात कहकर बड़े लोगों के दिल को ठेस पहुंचाई, इसलिए अपने मन की शांति के लिए बाहर जा रही हो। उसके नाम से एक प्रेस मीट रखवाओ, जाओ भाईलन की टिकट बुक कराओ श्री के नाम से। लेकिन श्री नहीं जाएगी, कोई और लड़की जाएगी। क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझा नहीं। श्री को हम किडनैप कर रहे हैं, उसके बाद श्री हम दोनों की रखेल बंद कर रहेगी। अगर तब भी नहीं मानी तो हम उस पर रेप करके उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। वो अनाथ है, पूछने वाला कोई नहीं है। अगर फिर भी किसी ने पूछा तो कह देना कि फौरन में किसी से शादी करके सेटल हो गई, इसकी एक प्रेस मीट भी रखवा देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो फिर मैं क्या करूंगा सर? तू प्रोड्यूसर बनेगा। सर वाकई में प्रोड्यूसर? मैं तुम्हें बनाऊंगा प्रोड्यूसर। बाहर कितनी बारिश हो रही है, बारिश की परवाह किए बिना वो बाहर जा रहा है, कैसे रहेगा वो? अब मुझे क्या पता होगा, कहीं प्यार का चक्कर तो नहीं है? ये और प्यार इतना दमदार नहीं है।
अब पता चलेगा प्यार है या नहीं। ऑन कर, ऑन कर। रंगा क्या हुआ रंगा? अभी तेरे लिए फोन आया था लेकिन मेरे उठाते ही उन्होंने काट दिया। ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, मैं काम निपटा के आता हूँ। अरे कहीं ये किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, मुझे तो डर लग रहा है भाई। ए, उसका काम ही वही है। वो नहीं है, ये श्री के बारे में जानता नहीं है। श्री को ये हीरो ही नहीं मानता है, लेकिन श्री ने जो बात स्टेज पर कही थी उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। फोन पर बात सुनने के बाद ये भी कहीं श्री के लिए तो नहीं गया है? अगर ऐसा हुआ तो ये भी प्रॉब्लम में फंस जाएगा, जरूर फंस जाएगा। क्या बक रहा है तू? उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे यार, दोस्त अगर मुसीबत में फंस जाता हम उसे ऐसे छोड़ देंगे? तो अभी हम उसका पीछा करें क्या? हाँ, पीछा करते हैं। क्या कहा? पीछा करें? पीछा करते हैं। ए गुरखा, इधर आ। मैडम को फ्रूट चाहिए, जाकर लेकर आओ। हाँ जी सर। यहाँ करीब से नहीं, बाजार से लेकर आना, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ सर। जाओ। जी सर, जी। और हाँ, जल्दी मत करना, आराम से आना। जी, 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 लेकिन जी, अच्छे फल आना। जी। हेलो, क्या बात है? हार्ट अटैक है? घर पर है या चर्च में? आप कैसी हो? गोपाल कृष्णा, अभी तो नहीं आ सकती। इस समय कैसे आ सकती हैं? गोपाल कृष्णा, कौन मुझे बता पर? क्यों नहीं रहे हैं? वो चर्च में है या अस्पताल में है? हेलो हेलो गोपाल कृष्णा, हेलो, किसका फोन था? मैडम, सिस्टर ब्रेगेंजा को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? हाँ। कब? अभी। अब कैसी है वो? चलो चलते हैं। रात में कैसे जा सकते हैं? कल सुबह चलेंगे। क्यों, अब जाने से क्या होगा? बात यह है मैडम, कल जो आपने फंक्शन में कहा था ना, उस बात से आपसे कई लोग नाराज हैं अभी तक, तो इसीलिए इतनी रात को मैं सोच रहा था। तुम बताना, ड्राइवर और मनी को भेजो। ड्राइवर घर चला गया है और मनी भी सो गया। सोया है तो उठा दो। वो पी कर सोया है मैडम। देखो मैं जा रही हूँ, मुझे कार चाहिए अभी इसी वक्त। कार जल्दी भेज दो। अब चले। आप इस ड्रेस में जाइएगा मैडम, आप इतनी रात को अकेली जा रही हैं मैडम, ध्यान रखिएगा। मैं रात को आऊंगी या फिर कल सुबह, घर का ख्याल रखना, ठीक है? जी ठीक है मैडम। क्या हुआ? मैनेजर ने रास्ता नहीं बताया क्या? श्री फौरन चली गई हैं। ये फैसला उन्होंने पहले ही ले लिया था क्या? नहीं, अचानक लिया था। उस दिन फंक्शन में उन्होंने जो कहा उससे काफी लोगों को बुरा लगा था। मेरे सामने उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो वाकई में बहुत गलत था। अपनी गलती की माफी उन्होंने इन लोगों से भी मांगी थी। अब ये बड़े दिल वाले हैं, ऐसी गलती की सजा अगर ये माफ नहीं करेंगे तो क्या भगवान माफ करेगा? इन्होंने उससे कुछ दिनों के लिए बाहर जाने के लिए कह दिया। अब इनके कहने पर ही वो बाहर घूमने गई हुई है। तो क्या श्री की ऐसी बातों से आपको बुरा लगा? देखिए, अब श्री की इस बात को छोड़कर उनके अच्छे अच्छे कामों को देखा जाए तो उसके सामने इस बात को इतना बड़ा ना ही किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना? हा? आपको यही बात बतानी थी, अब आप जा सकते हैं। नमस्ते। सर, सर प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? आपके कहे मुताबिक प्रेस वालों को बुलाकर मीटिंग तो रख दी, मुझे प्रोड्यूसर तो बना देंगे ना सर? जरा एक बार और बताना। यहाँ हम शूटिंग पर आए हैं, मैं राइटर हूँ,
ये डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर है पूरी फिल्म का फाइनल। क्या हुआ, इसे देखने से राइटर नहीं लगता क्या? तू देखने में प्रोड्यूसर लगता ही नहीं, पान की दुकान का भैया लगता है। बिल्कुल ठीक कहा, बंदे ने शुरुआत पान के खोके से की थी, बाद में प्रोड्यूसर बन गया। हाँ, मुझे कोई धोखा दे ही नहीं सकता। हाँ तो तुम लोगों को क्या चाहिए? हेलो, हमारी रेंज का गेस्ट हाउस मिलेगा? आपकी रेंज का कोई गेस्ट हाउस नहीं है, शूटिंग के लिए चाहिए। अच्छा जी, जंगल में शूटिंग के लिए चाहिए? किस तरह की शूटिंग की कहानी है बताओ तो। तेरे पैर पड़ते हैं भाई, हमसे खिलवाड़ मत कर। आ जाओ फिर, चलो फॉलो मी। ए, रंगा ने श्री को किडनैप किया है ना, वो वैसे भी किसी को छोड़ता नहीं है, थोड़ी सी गलती हो गई है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती क्या है? कुछ नहीं, स्टोरी में प्रॉब्लम है। चलो वैसे गेस्ट हाउस कहाँ है? आगे ही है। ए, अपना रंगा उधर है। ये रंगा कौन है? वो हमारा फाइनेंसर है। हाँ, रंगा ये क्यों चला रही है? ए, दरवाजा खोल के पूछ ले। उसकी क्या जरूरत है, वो लोग आएंगे तो खुद ही पूछ लेंगे इससे। ए, पूछते क्यों नहीं है? गुस्सा तो नाक पे रहता है तुम्हारे। ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? वो शूटिंग हो रही है ना। तो कैमरा क्यों नहीं दिख रहा है? वो कैमरा उधर कार में दिख रहा है। कैमरा कार में है तो वो साइड में क्यों बैठा है? ए, कहाँ जा रही है? छोड़ो मुझे। छोड़ उसे। ये तो मार रहा है उसे। सिनेमा में मारना भी कोई बड़ी बात है क्या? स्टोरी की डिमांड के हिसाब से मार रहा है। इधर आ। इधर देखो, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए ही लाया हूँ। जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा कुछ नहीं होने दूंगा, समझी? ये सच है, भगवान के लिए मेरी बात मानो। श्री, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ लाया हूँ, मेरा विश्वास करो, मेरी बात मानो। ए, ये क्या हो रहा है? उन लोगों के आने से पहले इसे हटा देना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू डायरेक्टर है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है ना, स्टोरी तो मेरी है लेकिन उसमें ऐसा पार्ट तो नहीं लिखा था। ओ, पीने के बाद लिख दिया होगा। श्री, कहाँ जा रही है? क्यों रे, यहाँ से भाग रही थी ना ये? चर्बी कुछ ज्यादा ही हो गई है, चले। साहब, इसने मुझे मारा, इसे बचा के ले जा रहा था ये। गोली चला रही। अरे ये चला रहे भाई, यहाँ से भागते चलो। चिल्ला तो रहा है, शूटिंग चल रही है ना। शूटिंग है। भागो। मैडम, मैडम जल्दी जल्दी भागिए। ये क्या कर रहे हैं? अब हम क्या करें? ये कौन सा कैरेक्टर है? भागो। चलो तेज भागो, वो हमारा पीछा कर रहा है। ये क्यों आ रहे हो? रुको, बचाओ जा। जल्दी। अरे मैं पीछा छूट गया, रुको। अरे शूटिंग छोड़ के हम आ रहे हैं, ये क्यों? ये बात तो मैंने लिखा ही नहीं था। अब क्या करें? ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे यहाँ से भागकर 5 लोग जंगल की तरफ गए हैं। वो जिंदा शहर की तरफ नहीं जाने चाहिए, समझे? आप चिंता मत कीजिए साहब, वो चाहे कितनी भी दूर भाग जाएं, मुझसे बचकर नहीं भाग पाएंगे। अच्छा ये बताइए, उन्हें पकड़ कर फोन करूँ या उन्हें खत्म करूँ? पहले जो कहा वो करो। ये लो। आप घर जाइए साहब, आपको बैड न्यूज मिल जाएगी। मतलब गुड न्यूज साहब। आनी चाहिए। कोई आदमी आ रहा है। कौन है? लगता है मुझसे मिलने कोई आया है, जाकर अपना अपना काम देखो। आओ, बोलो क्या मैटर है? साहब से बचकर कुछ लोग यहाँ जंगल में भाग निकले हैं, याद रहे वो लोग यहाँ से शहर नहीं पहुँचने चाहिए, समझ गए कि नहीं? यहाँ क्यों आए तुम लोग? हमें माफ कर दे रंगा, उस दिन जब तेरा फोन आया था तो मैंने कहा था मैंने बात नहीं की है, लेकिन मैंने बात सुन ली थी रंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, श्री को बचाने के लिए प्लान बनाकर इन दोनों ने मेरे पान के खोखे पर ताला लगाकर मुझे यहाँ घसीट कर ले आया। अरे धोखेबाजो, बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनते थे ना, अब समझ गया कि तुम धोखेबाज हो। अरे मुनि, अब क्या होगा? ये मुनि कौन है रे?
मेरा ही नाम मुन्नी। ऊपर ये नाम नहीं जानता, तेरा नाम मिनी होना चाहिए। सिनी ये भी अच्छा है। मुझे घर भेज दो, मेरे मम्मी पापा चिल्लाएंगे। चुप कर। कौन है? बड़े कद्दू के जैसा लगता है। लोकेशन ही चाल। अरे क्यों यहाँ आकर मुझे परेशान किया तुम लोगों ने? क्यों रंगा, अगर श्री को बचाना ही था तो वहाँ शहर में बचा सकता था, यहाँ जंगल में लेकर क्यों आया? शहर में मैं इसे नहीं बचा सकता था, मैंने इसे किडनैप किया था। वो मुझ पर इल्जाम लगाते और बच जाते। अब वो क्या करेंगे सोचे हो? यहाँ के लोगों की नजर में श्री इंडिया में नहीं है। उस दिन श्री ने स्टेज पर गलत बोला, इस बात को रियलाइज करके मन बहलाने फॉरेन गई है। ऐसा इनके मैनेजर रायपा रेड्डी ने प्रेस वालों के आगे बयान दिया था। अब मुझे कोई भी डर नहीं है, डर उन्हें है क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। क्या मैं जान सकती हूँ तुमने मुझे क्यों बचाया? किसी की सहायता अगर करनी हो तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। यह हमें पैसा किसी से लेकर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि सिर्फ खुद के लिए सोचना चाहिए। दूसरा मैंने खुद से कहा। शराफत से जीने के बजाय गंदे काम करके लोफर की तरह फिरने वाले तुम मुझे बचाने की बात कर रहे हो? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। बहुत बड़ी बात कह दी मैडम। मैडम आप जैसा सोच रही हैं, रंगा वैसा लोफर नहीं है। ये सब मैडम पैसे ना होने की वजह से हुआ। पैसे ना होने की वजह से रंगा की लाइफ ये ऐसी हो गई। और तुम्हें पता है कुछ ज्यादा पैसे की वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई। मैं अनाथ आश्रम में रहती थी, एक फैमिली ने मुझे गोद ले लिया था। मुझे बहुत पढ़ाओगी ना माँ? बिल्कुल बेटी, बहुत पढ़ाऊंगी। जिस तरह मेरी इच्छा थी उस तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया। जब तक कि मैं जवान हुई मुझे उनकी असलियत का पता चल गया। यहाँ ऐसे क्या बेटी? क्या माँ, इतने सारे लोगों के सामने आप मुझे इस तरह बुला रही हैं? और नहीं क्या, अगर उनमें से किसी को पसंद आ गई तो बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएगी ना। हीरोइन? मैं हीरोइन नहीं बनना चाहती, मैं पढ़कर कुछ जॉब करना चाहती हूँ माँ। ये फिल्म की हीरोइन बनने का मौका कितने लोगों को मिलता है। मैं तुझे हीरोइन बनाना चाहती हूँ तो नखरे दिखाने हैं, नखरे। चल चल मेरे साथ, सबके सामने मुस्कुरा। चलो। मेरा जन्म मुझे नहीं पता कब हुआ था। पार्टी में उस दिन सब मुझे बहुत अजीब देख रहे थे। उस दिन मुझे मर्दों से और भी नफरत होने लगी। उस पार्टी में आए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने मेरे साथ 2 साल का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तैयार हो तो शुरू करते हैं। हाँ। अब जरा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके कट इट। चेक करते हैं। नहीं नहीं, परफॉर्मेंस ठीक थी, मूवमेंट भी ठीक था। थैंक यू सर। लेकिन ग्लैमर पर किस लिए सर? वाह क्या सवाल पूछा है। हमारे जो गांव है उसने हमें ABCD की तरह क्लासिफाइड किया है। उसी तरह रेलवे में फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और जनरल होते हैं। और वैसे ही फ्लाइट में इकोनॉमी, बिजनेस और एग्जीक्यूटिव क्लास होती है। उसी तरह फिल्म देखने वालों की पब्लिक भी तरह तरह की क्लास की होती है। 10 से 150 रुपए की टिकट लेने वाला हर आदमी हमारी फिल्म देखता है। बालकनी से लेकर नीचे की बेंच तक अगर फुल करनी है तो मजा तो आना चाहिए भाई, थोड़ा मजा आना चाहिए। अरे अरे अरे, इसमें नाराजगी की क्या बात है? ये मेरे लिए नहीं है और ना ही कर रही हो, ये तो पब्लिक के लिए है, इनके लिए है। मैं क्या करूं सर? सर सर डाउन 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 सर, और नीचे और नीचे। अब ठीक है सर। अब ठीक है सर। सुपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया। समझ गई, मिट्टी में मिलने वाला शरीर अगर लोग देखते हैं इसमें बुरा क्या है, है ना मास्टर? मास्टर टेक।
के लिए मेरे माँ बाप बेटी तुम क्या पढ़ रही हो तो कुछ समझ में नहीं ये भी ठीक है तो पेपर दे ये देख के ऊपर एक छोटा सा साइन कर ले कुछ नहीं है मुझे पास कर बड़ा इसीलिए किया था ताकि तुम लोगों को कम कर ला सके जो कमाया वो छोड़ कर आ रही हूँ तुम्हारे मरने तक तुम लोग आराम से जी सकते आने के लिए मुझे गोद लिया था वही तुम्हें दे रही हूँ हमको डरा रही है क्या मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ तुझे पता है ना अगर आप मुझे इस तरह डराएंगे तो मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा और कौन सा तरीका अपनाएंगे पाँच साल हो गए पेपर सिग्नेचर कर दो वरना ये लो देखिए मैं आप लोगों को डर कर नहीं जा रही हूँ मैं तो जा रही हूँ क्योंकि मेरे लिए तो भगवान लेकिन इस दुनिया में पहले शब्द होता है ना और इस शब्द को भी गलत नहीं उन्हें अपने के बाद मैं अपने लिए जीती आ रही हूँ जहाँ भी दान करती हूँ वहाँ पर प्रार्थना मेरी और किसी की ना हो भागो भागो चलो जल्दी बिल्कुल मत डरो मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा क्यों मेरे पर विश्वास नहीं है क्या मुझे कैसे बचाना है ये तुम सोच रहे हो और मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ मेरे लिए उन सब लोगों से तुमने झगड़ा मोल लिया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसलिए मुझे डर लग रहा है मेरे लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरी फिक्र करने वाला कोई भी नहीं है मैं कितना जीऊंगा मुझे यही नहीं पता मैं अकेला हूँ अकेला ही रहूंगा रंगा कहाँ होगा यार रंगा का पता नहीं पर सुना है यहाँ पे भूत होते हैं यहाँ पर भूत होते हैं क्या तूने ऐसा क्या नहीं तू फिर कहीं वीरप्पन तो नहीं हंस रहा है ना तो काफी दिन हो गए कहीं उसका भूत तो नहीं हंस रहा है ना मैं नहीं डर रहा मैं नहीं डर रहा मैं तो नहीं डर रहा मैं डर रहा क्यों डर रहा नहीं तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तू डर रहा है दोनों नहीं डर रहे हो ना सुंदर तुम ही रुको मैं अभी देख कर आता हूँ सुंदर 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 सुंदर
सुंदर सुंदर आवाज तो नहीं आ रही है। कोई आवाज नहीं आ रही है। अब चले। तू अब भी चल रहा है हमारे साथ? तीनों साथ चलेंगे। तू भाग कर नहीं जाएगा? अगर मैं भागू तो तुम पीछे नहीं आओगे? चलो क्या हुआ? से बाहर कैसा निकला जाए इस बात से परेशान होना, और मैं चाहती हूं कि हम लोग इसी तरह हमेशा साथ रहें। याद है एक बार तुम्ही ने कहा था कि मैं किसके लिए जीऊं? तो अब मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। अब तक हीरोइन की तरह न जाने मैंने कितनों का प्यार पाया है, लेकिन आज मैं दिल से कहती हूं मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूं। हमेशा मेरी सहायता की है। तुम बहुत अच्छे और साफ दिल हो रंगा। शहर में जाने के बाद ही हम शादी कर लेंगे। ये बात मैं अपने दिल से कह रही हूँ, क्योंकि मैं जितने भी मर्दों से मिली हूँ सब एक जैसे थे। कोई नेक नहीं था। सब मर्दों ने मुझे
गलत नजर से देखा, पर तुम ऐसे नहीं हो। उन सब से तुम मुझे बचाना चाहते हो, मेरी रक्षा करना चाहते हो। मैं जीऊंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ, नहीं तो। लगता है लंच से पहले ये लोग प्रेयर करते हैं। क्या पकाने की तैयारी कर रहे हैं? मिट्टी की जगह हल्दी लगाकर गर्म करने की तैयारी कर रहे हैं? काम कर रहे हैं क्या? हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, इससे तैयार हैं। ओ अच्छा अच्छा। अरे भाई साइंस नहीं, स्किनलेस चिकन की तरह। दे वांट स्किनलेस मिनी। ऐसी बात मत कर, चुप बैठ, अगला नंबर तेरा ही है। अरे इस तरह तो रंगा और सुंदर हमें आकर बचा भी नहीं सकते हैं। अरे दोस्तों मैं भी यही बंदा हूँ, अब तो रंगा ही हमें यहाँ से छुड़ाएगा। सुंदर तू भी यही है क्या? तो हमें कौन बचाएगा? ए रंगा, चल भाग। यार अब पूरा भी देखा आधा भी देखा, तू ये डबल पागल लगते हैं। चका चका ए रंगा, पहले मुझे खोल देना। क्यों रे श्री औरंगा, लगता है कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हैं। ये कैसे कह सकते हो तुम? खुद ही देख ले, उसके पैंट नहीं है, इसकी शर्ट नहीं है, और क्या चाहिए। लगता है 50% डिस्काउंट पर लिया है। चलो हाँ चल। पहले उसे तो फेंक। अरे हाँ पता ही नहीं चला कि उन्होंने मुझे बांधा था कि लटकाया था। हाँ चलो। पैर में दर्द हो रहा है, लिफ्ट दे दो ना भाई। गेहूं की बोरी से लिफा रही है। चल तुझे लिफ्ट नहीं पूरी अपार्टमेंट दिलाऊंगा मैं। Are you okay? Everything is okay. Script is ready. हाँ, रंगा ही हीरो है और मैं डायरेक्टर। मैं मैडम कब आए? अरे वाह, मेरे को घंटा भी बज गया, हमने सच कहा। ए, चलो चलते हैं। ए रंगा, लगता है हम शहर के नजदीक हैं। क्यों रे? अभी भी वो हमारे पीछे ही आ रहे होंगे क्या? मुझे वहाँ ले चलो। है, चलते हैं, चलना। नौटंकी की तैयारी कर रहे हैं, बचने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। इस नौटंकी के खत्म होने के पहले हमें यहाँ से भाग जाना होगा। हम पर उनकी नजर नहीं पड़नी चाहिए, समझ गए ना? अच्छी तरह समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। ए पूछ वाले हनुमान जी, तू बिना पूछ के आया? चल। अच्छा तेरी पूछ कट गई क्या? चल चल। अरे सॉरी सर। क्या सॉरी? अरे बिना, अरे राइटर ये बीच में कौन है? ये सब बाद में पूछना, तू यहाँ पर कैसे? ये हमारा गांव है, हर साल यहाँ पर हमारे गांव में नौटंकी होती है। अरे गंगा यहाँ देख कौन आया है। सब समझ गई। देखो गुंडे आ गए। चुराने आंखों से मैंने उड़ाने, सपने प्यार के तुझे दिखाने, मुझ जैसा कोई कहा। नहीं, मैं
किसी से ना डरूं, दिल जो चाहे वो करूं, कदमों में मेरे जहां, मुझ जैसा कोई कहा। हो पागल है तू या है दीवाना, हो खेल नहीं है दिल को चुराना। बड़े दिल वाला आशिक है मेरा नाम, चैन हसीनों का उड़ाना मेरा काम। आशिकों में है दीवाने सबसे तू जुदा, जानलेवा है दीवाने तेरी ये अदा। खतरों से भरा है जीवन ये मेरा, खतरों से खेलना ही शौक है मेरा। दिल को जाने दो ये वो बाद में बचता है, आ जाए यहाँ पे बच के जाना चाहे। मेरे जैसा आशिक कोई दूसरा होगा नहीं। हो मुझसे जो टकराए ऐसा है कोई कहां, हे मुझे जो पहचाने ना ऐसा कोई यहां। थामू जो हाथ में ना छोड़ू फिर कभी, जीवन भर साथ दूं ये जाने हैं सभी। जिंदगी में हो ना जाना मुझसे तो खफा, जान जान सच है मेरी वफा। तू हंसी है पर मैं भी तो जवां हूं, हो जाओ पल में तेरा ऐसा भी मैं कहां हूं। जीने में कुछ भी आए ना मजा, चुराने आंखों से मैं नींद उड़ाने, सपने प्यार के तुझे दिखाने, मुझ जैसा कोई कहां। हा 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 हा। मैं किसी से ना डरूं, दिल जो चाहे वो करूं, कदमों में मेरे जहां, मुझ जैसा कोई कहां। कदमों में मेरे जहां, मुझ जैसा कोई कहां। छोड़ो मुझे। तुझे रोमांस सूझ रहा है? मैंने भी अपनी सुरक्षा कर रखी है ना। यार हजा ओके साहब, वो यहां से बच के भाग निकला। रंग अपने साथियों के साथ में शहर आ रहा है, उनमें से कोई भी दिखाए तो उसे काट देना। ठीक है मालिक। मारूंगा तो अभी सीधा हो जाएगा। रंगा मुझे मारो, उससे तो अच्छा आप मुझे मार दे। रे अप्पा, पहले हम सोच ली कि हमें करना क्या है। विश्वासघाती, तेरे साथ विश्वासघात कोई गलत नहीं। तुम्हारा उपदेश बाद में सुनेंगे। रंगा, श्री कहाँ है? सिटी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस। कमिश्नर ऑफिस में? वो मुंह खोले या ना खोले, ये सब तुम्हारे हाथों में है। जरा अंदर चलकर बात करें। रंगा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो। पैसे? मुझे पुराना रंगा समझ रहे हो क्या?
पैसा जरूरी नहीं है, आदमी जरूरी है। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। क्या मतलब है तेरा? अब मेरी बात सुनो। गोपाल से कहकर एक प्रेस मीट रखो। फॉरेन गई श्री, अब हैदराबाद वापस आ रही है। अब तक यहाँ उसे शादी करने लायक कोई लड़का नहीं मिला। ये कहने वाली श्री इस बात पर फुल स्टॉप लगाकर फॉरेन से वापस आकर शादी करने वाली है, और उसे अफसोस है जो उसने कहा। उसका मन बदल गया है, और इस शादी के मुख्य मेहमान श्री रायप्पा जी और श्री रेड्डी जी हैं। लड़का कौन है? रंगा। ए, रंगा! ज्यादा मत चिल्ला, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तुम लोगों ने प्रेस मीट नहीं रखा तो मुझे श्री के साथ प्रेस मीट रखना पड़ेगा पुलिस कमिश्नर ऑफिस में। वो क्या है ना रायप्पा, तुम्हें सब लोग व्हाइट एंड व्हाइट में रहने वाला न्याय देवता मानते हैं। करेक्ट आइडिया सर। ठीक है ठीक है, शादी कब और कहाँ है? इसी महीने की 23 तारीख को राष्ट्रीय मैरिज हॉल। शादी शुरू होने से खत्म होने तक का सारा खर्चा तुम्हारा ही है। हाँ, मिलकर नहीं, सिर्फ तुम्हारा ही है। फिर मिलते हैं। हाँ सर, शादी का हॉल, फूल, डेकोरेशन, खाना, इन सब का एडवांस। तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ हैं? आते ही होंगे। आप सरकारी सम्राट हैं और वो अंडरग्राउंड के दादा हैं, ये आपने प्रूव कर दिया। हिंदुस्तानी लोग बड़े सेंटिमेंटल होते हैं। शादी के दिन भले ही गिफ्ट भूल जाए पर गले की माला नहीं भूलते। अगर दूल्हा मियां गलती से कहीं माला भूल भी जाता है तो लोग उसे बुला कर देते हैं, और यहाँ बम माला में फिट है। उसने क्या कहा था? शादी शुरू होने से खत्म होने तक का सारा खर्च हमें करना होगा। उसे नहीं पता उसकी शादी के साथ कफन का भी खर्च मैं करूंगा। मैं रंगा बोल रहा हूँ। रंगा का फोन है। बोल रंगा, हमने अपनी जबान रखी ना? जो कहा वो तो कर दिया, अब जो तुमने नहीं सोचा था वो करने जा रहा हूँ। अच्छा आदमी बुरा बन जाए तो उसे दोबारा अच्छा बनने का मौका देना चाहिए, लेकिन तेरे जैसे कमीनी आदमी के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। तेरे कहने से पहले ही तेरी बात को समझने वाला रंगा आज तेरे इरादे को नहीं जान पाएगा क्या? हिंदुस्तानी लोग सेंटिमेंटल होते हैं। अगर शादी में आए हुए मेहमान अपने गले की माला वहाँ पर भूल जाए तो हम लोग शराफत से उसे वापस कर देते हैं। इसे प्यार से दिए गए तुम्हारे तोहफे को तुम्हारे घर वापस भेज दिया है मैंने। अब उस गिफ्ट का मजा लो। एक, अपने आदमियों को बुलाओ। अपना प्लान वो समझ गया। सर, यहाँ कर देखिए सर। ये सब क्या है? सर, पैर मत रखना। संभल के। पहले गेट खोलो। सर, आइए आइए। जल्दी बैठो। चलिए चलिए चलिए। बचकर जाने की खुशी हो रही है ना तुझे? स्पीकर ऑन करके सबको सुना? तेरे हिसाब से उस बॉम्ब को फटने में 3 या 4 मिनट ही हैं। वो माला तेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। कहाँ होगी सोच के परेशानी हो रही है ना? रंगा, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। करेक्ट आइडिया सर। अरे तुमने कहा था मेरी शादी में मत आना, बस फूल माला लेकर आना। सुहाग रात के दिन सोचे थे अब तो माला ही हमारे ऊपर चढ़कर हमें पहुंचाएगा। ऊपर क्या, ऐसा लग रहा है जैसे हम बलि का बकरा बन के खड़े हों। यह सेम फीलिंग है, इसलिए डायलॉग नहीं निकल रहे हैं। इधर दो। थैंक यू बाबा। क्यों रे, ये फटने वाला है भी या नहीं? Hey,
क्यों लाई हूँ पता है? क्योंकि हमारी लाइफ यही शुरू हुई थी, इसलिए जब तक तुम मुझे ये सब छोड़ने का वादा नहीं करोगे तब तक हम सुहागरात नहीं मनाएंगे। तुम्हें फैसला करना होगा, ये चाहिए या फिर मैं। बात सुनो, तुमने जो कहा वो ठीक है। आज के बाद श्री जो चाहेगी रंगा भी वही चाहेगा। तुम्हें जो पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। आप खुश? ओके। क्या बात है रंगा? अब तक इस स्क्रिप्ट पर बिना चेंजेस के काम किया है। वो कैसे? हाँ, उनके डायलॉग बोलने के बाद लिखा मैंने। देखा तुझे मैंने जब से दिल मेरा खो गया।